आप सभी लोग जो हैं बहुजन समाज के से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, और इसलिए एक क्वेश्चन जो लोगों में आजकल बहुत चल रहा है, और वो क्वेश्चन ये है कि मायावती की जो पार्टी है, कि आज के समय ऐसा आता जा रहा है कि जो बीएसपी पार्टी से कई लोग टूट टूट के बाहर निकल रहे हैं, मतलब जो पार्टियां हैं उनसे टूट कर नई पार्टियां बन रही हैं, और फिर वो पार्टियां भी कुछ ऐसा खास काम नहीं कर रही हैं, मतलब ऐसा हो कि जैसे राष्ट्रीय मुद्दे बन रहे हों, वो सब अपने लेवल तक छोटे छोटे हिस्सों पर काम कर रही हैं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने भी पार्टी बनाई थी, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, उसके भी आज 50 से ज्यादा टुकड़े हो चुके हैं, और उनके जो पोते हैं प्रकाश अंबेडकर, वो भी उनमें से एक पार्टी के जो है चला रहे हैं। तो आजकल जो नया नेतृत्व निकल के आ रहा है, जैसे जिग्नेश मेवानी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, कन्हैया कुमार हो, या आपके हार्दिक पटेल हो, ये लोग ऐसे लोग हैं, इनकी कोई खास मतलब कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं ये सब लोग। अब ये पार्टी से बिलोंग नहीं करते और फिर भी एक राष्ट्रीय मुद्दे बना रहे हैं, ये लोग पूरे राष्ट्र में इनकी बात हो रही है, तो इन लोगों को मिलकर मतलब बीएसपी पार्टी से जुड़ना चाहिए या वेंजी को इनको पार्टी में बुलाने के लिए कहना चाहिए, या क्योंकि इनके जो विचारधारा है वो भी बाबा साहब से जुड़ी हुई है, बाबा साहब से जुड़ी हुई है, तो बीएसपी पार्टी जो आज के समय में सबसे बड़ी बाबा साहब की विचारधारक पार्टी मानी जाती है, तो क्या आप लोगों के इसकी राय है, आपकी क्या विचार है इसमें, मतलब क्या ये करना चाहिए एनजी को? देखिए, जितनी भी पार्टी बनी, सबसे पहले की सबसे पुरानी जो पार्टी भारतीय राजनीति में जो पार्टी है वो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। आपने भी थोड़ी देर पहले ये कहा कि इसके कई बीएसपी का कई टुकड़े हुए, तो कांग्रेस के भी बहुत टुकड़े हुए। आरपीआई के टुकड़े नहीं हुए, बीएसपी के टुकड़े नहीं हुए, कांग्रेस के ही बहुत टुकड़े हुए। 1977 में कांग्रेस को हराने के लिए सारे दल एक हुए, जनता पार्टी के रूप में एक पार्टी बनी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। 80 आते आते उसके कई टुकड़े हो गए, जनता दल बनी उसके कई टुकड़े हो गए, बीजेपी से भी लोग निकल के गए, जसवंत सिंह गए, उमा भारती गई, कल्याण सिंह गए, आज भी बीएसपी बीजेपी के बड़े बड़े दो नेता हैं, वो बुरा विरोध कर रहे हैं बीजेपी का। ये जितनी भी पार्टियां हैं, ये तो टूट फूट तो होती रहती है, जो कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बात बीएसपी की, ये विचारधारा वाली पार्टी या आंदोलन करने वाली पार्टी है, इसकी जो मूल विचारधारा है वो ये है कि इस देश से मनुवाद की जड़ों को खाड़ के फेंकना है, जो देश की जो सड़ी गली जो सामाजिक व्यवस्था है, जो जातिवादी व्यवस्था है, जो खड़ी हुई व्यवस्था है, जो कांशीराम साहब पेन लेकर बताया करते थे कि ये खड़ी हुई व्यवस्था है कि सबसे ऊपर ब्राह्मण बैठा है, फिर क्षत्रिय बैठा है, फिर वैश्य बैठा है, सबसे नीचे जो शूद्र बैठा हुआ है, उसको ख़त्म करना है। ये खड़ी हुई जो व्यवस्था है उसको पड़ी हुई व्यवस्था करना है। कोई किसी के सिर पर नहीं बैठा, ब्राह्मण क्षत्रिय के सिर पर बैठा है, क्षत्रिय वैश्य के सिर पर बैठा है, वैश्य सब शूद्रों के और शूद्रों के बैठा हुआ है, सबसे नीचे हमारा जो वाल्मीकि समाज है वो है। तो कांशीराम साहब की जो विचारधारा थी, जो बाबा साहब अम्बेडकर थी, गौतम बुद्ध की जो विचारधारा थी, वो ये थी कि जो व्यवस्था है, जो खड़ी हुई व्यवस्था, ये व्यवस्था पड़ी हुई होनी चाहिए, कोई किसी के ऊपर नहीं बैठा, सब अपने अपने सेल्फ रहें, सब एक दूसरे का सम्मान करें। तो ये एक विचारधारा वाली पार्टी है, इसका राजनीति करने का ही वो नहीं उद्देश्य है। राजनीति करने के लिए तो जब से देश आज़ाद हुआ है और आज़ादी से पहले भी कांग्रेस राज कर रही है। क्या सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन आया? बीजेपी व्यवस्था कर रही है, राज कर रही है, तो बीजेपी तो खैर सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन लाएगी नहीं, क्योंकि वो तो घोर हिंदुत्ववादी पार्टी है। तो ये जो विचारधारा वाली पार्टी है वो सही मायने में देश में बीएसपी है, जो सबका भला चाहती है, जो भारत के संविधान का सम्मान करती है। बाकी बीजेपी भारत के संविधान का वो नहीं करती, संविधान सम्मान नहीं करती, वो मनु के संविधान का सम्मान करती है। वो मनु जो आदमी को आदमी नहीं समझता था, स्त्रियों के साथ पशुओं से ही बदतर व्यवहार करता था, स्त्री किसी भी जाति की उसके साथ भेदभाव करता था, और शूद्रों के साथ और वैश्य के साथ भी भेदभाव करता था। जे पाप योनी का वो बताते थे कि इन्हें पाप किए हैं, इस वजह से इन योनियों में पैदा हुए हैं शूद्र, स्त्री और वैश्य। तो बहुजन समाज पार्टी है ये विचारधारा वाली पार्टी है, और ये चाहती है कि देश में समतामूलक समाज की, जातिविहीन समाज की स्थापना हो, जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, माननीय कांशीराम साहब का सपना था, और बहन जी का भी यही सपना है, वो गौतम बुद्ध का तो था ही। गौतम बुद्ध ने पूरे विश्व को संदेश दिया, समता स्वतंत्रता बंधुत्व का जो संदेश दिया, वो बीएसपी उस विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। मेरा जो मानना है, अभी आपने जो लड़कों की कहा कि जिग्नेश मेवानी, चंद्रशेखर आज़ाद, कन्हैया कुमार, वो एक उमर खालिद भी आप भूल गए उसको, एक उमर खालिद है। उमर खालिद को तो बिल्कुल, और अल्पेश ठाकुर तो कांग्रेस में चले गए, तो उनकी अपन बात नहीं करेंगे। उमर खालिद को गद्दार बोला जाता है, एंटी नेशनल बोला जाता है। नहीं तो एंटी नेशनल तो हर वो आदमी एंटी नेशनल नेशन है इस देश के अंदर, जो बीजेपी और मनु की और इनकी सड़ी गली व्यवस्था के जो विरोध करता है, वो हर आदमी, हर शख्स एंटी नेशन है। हाँ, वो तो हमको भी बोलते हैं और वो किसी को भी बोल सकते हैं। उनने गौतम बुद्ध को नहीं छोड़ा, वो तो छत्री थे। उमर खालिद तो मुसलमान है,
जिनने जरा भी बात की है सामाजिक समरसता की, जो बात करते हैं ये लोग आरएसएस वाले, इनकी झूठी सामाजिक समरसता है। सामाजिक समरसता ही तो गौतम बुद्ध ने बात की थी सबसे पहले, उनका विरोध करते हैं पूरे विश्व में, गौतम बुद्ध को मानते हैं लोग, ये नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भाई? इधर 24वां 23वां अवतार भी कहते हैं हिंदुओं के, तो उनकी पूजा क्यों नहीं करते, उनके विचारों में क्यों नहीं चलते? तो ये तो जो इनकी सड़ी गली व्यवस्था का विरोध करेगा वो एंटी नेशन है। इनकी आप व्यवस्था का विरोध करिए वही देशभक्त है। इनका राष्ट्रवाद सिर्फ 2-3 चीज़ों पर टिका हुआ है। इनका राष्ट्रवाद टिका हुआ काय पे? ब्राह्मण को मानिए, मनुस्मृति को मानिए और क्षत्रिय को मानिए। इन पर सत्ता दे दीजिए, आरएसएस की भक्ति कीजिए और ज़मीन में पड़े रहिए, नाली में पड़े रहिए आप, जातियों के अनुसार काम करिए। इनने जो कह दिया वो मानिए, हम इन चीज़ को नहीं मानते। या उमर खालिद मानते, ना कन्हैया कुमार मानता, ना जिग्नेश मेवानी मानते, ना बहन जी मानती मायावती जी, ना कांशीराम साहब ने माना, बाबा साहब ने माना। तो ये सब के सब एंटी नेशन है। राष्ट्रभक्त इनके ये हैं, मोहन भागवत राष्ट्रभक्त हैं, नरेंद्र मोदी राष्ट्रभक्त हैं, अमित शाह राष्ट्रभक्त हैं। आज जैसे भीष्म प्रताप मृत्यु सैया पर पड़े हुए थे, आडवाणी जहाज पड़े हुए हैं, ये बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं, जो बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं, जिनने देश के अंदर आग लगाई, सबसे बड़े राष्ट्र विरोधी ये लोग हैं। रथ यात्रा निकाली 90 के दशक में, मस्जिद गिराई 90 के दशक में, तो राष्ट्रभक्त कौन है और राष्ट्र विरोधी कौन? राष्ट्र विरोधी तो ये लोग हैं जो देश में दंगे कराता है, जो भाई से भाई को लड़वाता है, देश के अंदर आग लगवाता है, देश की बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार करवाता है, दंगों के हिंदू धर्म के, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, दलित और सवर्णों के नाम पर, पिछड़े और सवर्णों के नाम पर। देशभक्त वो नहीं, वो देश के वो सही माने में देशद्रोही वो लोग हैं जो आज सत्तासीन हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। ये सारे के सारे सत्ता में, इनका छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़ा सा जो है, जिन्होंने राम मंदिर का किया है, आज शंकराचार्य की मूर्ति लगाई जा रही है, कहाँ ले जा रहे हो भाई देश को? भास्कर में भी, हमारे यहाँ भास्कर में आया कुछ 3-4 दिन पहले ही कि मूर्तियों में शंकराचार्य की मूर्तियों आप खर्चा कर रहे हो, शिक्षा पे क्यों नहीं करते? जो अहम चीज़ है इंसान के लिए, मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ है, उनकी तरह ध्यान नहीं है आपका, हॉस्पिटलों की तरह ध्यान नहीं है, आदमी जानवरों की तरह मर रहा है हॉस्पिटलों में, कोई सुनवाई नहीं है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। शंकराचार्य की मूर्ति लगवाएं, कहाँ ले जा रहे थे इसको? क्या किया शंकराचार्य ने? जातिवाद की बात करने वाले लोग, जाति व्यवस्था पैदा करने वाले शंकराचार्य एंड कंपनी, इनकी ये मूर्तियाँ लगवा रहे हैं। ये धन निरपेक्ष राज्य है, ये राज्य का काम नहीं है, ये सरकार का काम नहीं है मूर्ति लगवाना। किसी धार्मिक गुरुओं की मूर्ति लगवाना सरकार का काम नहीं है, भगवानों की मूर्ति लगवाना सरकार, फिर तो आप ईसाई की मूर्ति लगाइए, ईसा मसीह की भी लगाइए, मुसलमानों की भी लगाइए, बौद्धों की भी, ना सबकी लगाइए। ये जो है, ये भारत का जो मेन धर्म है वो ये हिंदुत्व ही है और ये इन्हीं ने भारत बनाया, इस वजह से इनको प्रमोट किया जा रहा है उनका। तो अब देखिए, वैसे तो ये थोड़ा डाइवर्ट हो गया प्रश्न आपका, अब मैं इस पर भी बता आपको मैं जवाब दे दूँ इसका भी। भारत देश इनका देश है नहीं, हिंदुत्ववादियों का, आर्यों का देश भारत नहीं है। ये यूरेशिया से आए हुए लोग हैं, ये डीएनए के टेस्ट द्वारा भी साबित हो चुका है, सिंधु घाटी की सभ्यता के द्वारा साबित हो चुका है, और कई बार इनके ही महात्मा गांधी ने माना, इनके ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने माना, इनके ही लोकमान्य तिलक ने माना, इनके ही बहुत से लोगों ने माना है। तो ये यहाँ के नहीं, तो इनका धर्म कैसे हो गया? ये तो बाहर से आए हुए लोग हैं। अब दूसरी बात ये है कि जहाँ तक इन लड़कों की बात है, अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, नया युवा नेतृत्व उभर के आया है। तो अगर मेवानी ने ये कहा है, क्रांतिकारी लड़के हैं, और इनको देख के हमें ऐसा लगता है कि बाबा साहब का मिशन और कांशीराम का मिशन थामने वाले लोग, नए लड़के युवा पैदा हो गए हैं, बशर्ते जो बहन जी के साथ मिलकर काम करें, उस विचारधारा पर चलें, और बहन जी को भी थोड़ा अपना बड़प्पन दिखाते हुए, वो बड़ी हैं, उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि इनको सपोर्ट करना चाहिए, चंद्रशेखर आज़ाद को सपोर्ट करना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद पर किस बात का राष्ट्रीय कानून लगा रखा है? राष्ट्र का जो लगा रखा है वो गलत लगा रखा है, उसने तो बचाया है, जिनने अत्याचार किए उनको कोई, उन पर कोई सजा नहीं, उनको कोई जेल नहीं, उन पर कोई केस नहीं, ये कौन सा कानून है? तो मेरा विचार ये है कि ये बहन जी को भी सोचना चाहिए और लड़कों को भी, इनको एकजुट होके जो मूल व्यवस्था है, जो जातिवादी जो मूल व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई है देश की, उसको ख़त्म करने के लिए इनको सबको मिलकर एक साथ काम करना चाहिए, इतना मेरा कहना है। मेरा विचार है, बहुजन समाज जो पार्टी है, महापुरुषों की विचारधारा वाली पार्टी है, निश्चित रूप से आपने जैसे बताया कि जो युवा निकल के आ रहे हैं, जैसे जिग्नेश मेवानी जी हैं, हार्दिक पटेल हैं, अल्पेश ठाकुर हैं और कन्हैया कुमार जी हैं, निश्चित रूप से ये लोग बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन समाज महापुरुषों की जो बात है बहुत अच्छी तरह से आज उठा रहे हैं। निश्चित रूप से आज इस देश में जो विचारधारा चल रही है,
एक इस देश में मनुवाद स्थापित करना चाहते हैं, ये और दूसरी तरफ हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा है इस देश में समानतावादी विचारधारा की बात कर रहे हैं। देखने में ये आ रहा है कि जो समानतावादी विचारधारा है, महापुरुषों की जो विचारधारा है उसको ख़त्म करके मनवाली विचारधारा को थोपना चाहते हैं। उसके लिए आज ये युवा, आज इन्होंने अपनी आवाज़ को पूरे देश में मुखर किया है, निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। और मेरा ऐसा मानना है निश्चित रूप से आज जो बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है, महापुरुषों की जो आइडियोलॉजी है, और बहुजन समाज पार्टी में इन लोगों को यदि शामिल कर लिया जाता है तो निश्चित रूप से पार्टी मजबूत बनेगी। और जो हमारा जो आंदोलन है बहुजन समाज जिके जो महापुरुषों की जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, निश्चित रूप से ये कामयाब होगी, ऐसा मेरा मानना। आपने जो प्रश्न किया, मेरा ऐसा मानना है कि आज के युवाओं को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करना होगा। पहला बिंदु है लाइन ऑफ थिंकिंग, इस पे सोचना होगा, समझना होगा, विचार करना होगा, मंथन करना होगा कि हम जो समाज की आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी वाली पार्टी है, उसमें सम्मिलित होकर करके काम करें तो ज्यादा अच्छा होगा और समाज को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो सबसे पहला सोचने की समझने की क्षमता इन युवाओं में आ जाना चाहिए। उसके बाद इन समाज के युवाओं को लाइन ऑफ आइडियोलॉजी, इन महापुरुषों की विचारधारा को समझना होगा और विचारधारा को समझने के बाद ये एक्शन में, लाइन ऑफ एक्शन में आकर के इंडोर मीटिंग, पब्लिक मीटिंग और समाज के मीटिंग में जाकर के नहीं, इस बहुजन समाज को बनाने का काम करना होगा। और इसके बाद में लाइन ऑफ डिफेंस जैसे इस आंदोलन को बचाने के लिए भी हमें उपाय करने होंगे। बचाने के लिए अगर आपको ब्लैकआउट, ब्लैकमेल, कन्फ्यूजन, कंपटेशन, इंपल्टेशन, इलिबल अटैक से बचना होगा और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करना होगा, ऐसी मेरा इन आज के युवाओं से आग्रह है, अपील है। और आगे बढ़ चढ़ के तभी हम अपने इस समाज को पुनः सोने की चिड़िया के रूप में देख सकते हैं, पुनः इस देश को जगत गुरु के रूप में देख सकते हैं, पुनः इस देश में भाईचारे के आधार पर दूध दही की नदियां बहती हुई देख सकते हैं, ऐसी अपील करता हूं। जिस तरह से मायावती जो मतलब ये जितने भी जिग्नेश मेवानी हैं और उमर खालिद हैं, कन्हैया कुमार हैं, बहुत यंग नेता निकल के आए हैं। एक समय था जब मायावती भी बहुत यंग थी और उसी टाइम वो सीएम बनी थी, यूपी की सबसे यंग सीएम वही थी, पूरे भारत की शेड्यूल कास्ट महिला सीएम वही थी अगर कोई बन के आया था। तो अब मायावती को इन लोगों को आपस में जोड़ना चाहिए, क्योंकि अब आने वाले टाइम में ये लोग अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, कोई गुजरात से है, कोई यूपी से है, तो इन लोगों को मिलकर अपना मतलब एक पार्टी में मिल जाना चाहिए, या फिर इन अब ऐसा लग रहा है कि ये लोग नई नई पार्टियाँ बना सकते हैं, तो क्या कहेंगे आप? हाँ, निश्चित रूप से आपका कहना बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से मानवर कांशीराम साहब को एक मालूम हुआ था कि बहन कुमारी मायावती एक सम्मेलन में बोल रही थी, तो राजनारायण जी जो बोल रहे थे एक विषय पे, तो बहन जी ने वो बार 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 हरिजन शब्द का प्रयोग कर रहे थे, तो बहन जी को इतना गुस्सा आया, उनसे कहा कि आप हरिजन बार बार क्यों कह रहे हैं, कि ये हरिजन तो ये गाली है। इस प्रकार से कांशीराम साहब ने सुना कि यार बहन जी एक राजनारायण समाजवादी बहुत बड़े नेता थे उनके बारे में ऐसा बोला, तो कांशीराम साहब ने जिज्ञासा बस उनके घर गए, उनकी क्षमता को उन्होंने परखा। तो उस समय वो आईएएस की तैयारी कर रही थी, तो आईएएस की तैयारी कर रही थी, कांशीराम साहब उनके घर में पहुँचे तो उनके घर वालों को बेहद खुशी हुई है, कांशीराम साहब वो इतने बड़े नेता जी हमारे घर क्यों आए हैं। तो बहन जी से उन्होंने पूछा कि आप क्या करना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। तो साहब ने कहा कि आप आईएएस बन के क्या करेंगी, उन्होंने कहा मैं आईएएस बन के समाज की सेवा करना चाहती हूँ। तो मैं साहब ने बोला कि मैं आपको को इस प्रकार से देखना चाहता हूँ कि आपके पीछे कई आईएएस चक्कर लगा। तो आपको तो कहना यही है कि है ना, जिस तरह से कांशीराम जी ने बहन जी को बुलाकर और उनको सीएम के पद के लिए खड़ा कर दिया और मतलब यूपी का सीएम बना दिया, इसी तरह से अब बहन जी को भी जिग्नेश मेवानी और इन लोगों को बुलाकर इनके साथ करना चाहिए। निश्चित रूप से मैं भी यही कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से कांशीराम साहब बहन जी के घर गए, उसी प्रकार से बहन जी को भी इन लोगों को, जिस प्रकार से ये लोग नए लोग निकल रहे हैं, जिग्नेश मेवानी है ना, और हार्दिक पटेल है, और जैसे मुस्लिम आजकल जो बच्चे निकल रहे हैं जेएनयू के कन्हैया कुमार, हाँ
कन्हैया कुमार है और वो उमर खालिद है, तो उमर खालिद है और सैला रशीद है जो कि जे एन यू की उपाध्यक्ष रही हैं, वो भी काफ़ी आज कल उनका भी जो सामाजिक विचारधारा जो मूवमेंट है महापुरुषों की समानतावादी विचारधारा को इस देश में जो मनुवाद के खिलाफ जो आंदोलन चला रहे हैं निश्चित रूप से ये इस देश में करना चाहिए, मतलब हाँ इन लोगों को बातचीत करके बहन जी को अपने मूवमेंट में शामिल कर लेना चाहिए। आप बताएं सर, मतलब बहन जी को इन लोगों को आप मिल के शामिल कर लेना चाहिए या फिर अब इनको या ये अलग पार्टी बना सकते हैं? कि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, जिनके सपने पूरे होते हैं उन्हीं के सपनों में जान होती है। तो इनके सपनों में, बहन जी के सपनों में जान थी, तो वो आज इन महापुरुषों की विचारधारा को वर्तमान में सत्ता तक पहुंचाया और इन्हीं से प्रेरणा लेकर इन युवाओं को भी इन महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ाने का जज्बा पैदा करना चाहिए और ऐसे सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति के आंदोलन की लड़ाई में सम्मिलित हो जाना चाहिए, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति का आंदोलन इस देश में अलग चीज़ है और चुनाव एक मध्यम मार्ग है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को लड़ना है तो इन आज के युवाओं को इस आर्डलोई से बहन जी कुमारी आज की कुमारी मायावती की आपका ये कहना कि बीएसपी से जुड़ जाना चाहिए। हाँ जी, जिस तरह बहन जी के साथ एक घटना हुई जो राजनारायण जी के समय की 1977 की बात है, राजनारायण समाजवादी नेता थे और 1977 में इंदिरा गांधी को रायबरेली से राजनारायण ने ही हराया था। तो बहन जी एक कार्यक्रम के दौरान, जैसे अभी एक ये सर ने कहा राजनारायण बार बार पर हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, बहन जी ने बीच में टोकते हुए बीच में टोक दिया था कि हरिजन शब्द का इस्तेमाल ना करें, ये हमारे लिए गाली है, और उनकी बोलती बंद कर दी। तो इस चीज़ की जब कांशीराम साहब को जानकारी हुई तो कांशीराम साहब जी ने बहन जी को संपर्क किया और उन्हें नेता बनाया। जिग्नेश मेवानी ने भी ऊना कांड के बाद बहुत बड़ा आंदोलन किया, इसमें कोई शक नहीं है, और जो ऊना कांड हुआ जो बीजेपी आरएसएस और नरेंद्र मोदी की सह पर हुआ गुजरात के अंदर। सहारनपुर में चंद्रशेखर ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, चंद्रशेखर आज़ाद रावण उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया, ये भी बीजेपी आरएसएस मोदी योगी और अमित शाह की सह पर हुआ। उमर खालिद और कन्हैया कुमार ने भी जेएनयू में बहुत बड़ा आंदोलन किया, इन पर राष्ट्रद्रोह के केस लगाए गए, वो मोदी के कहने पर लगाए, अमित शाह के कहने पर लगाए। तो इन लड़कों का भी कोई बड़ा कम योगदान नहीं है, जेलें भुगतनी ने जरा जरा सी उम्र में ये जेल गए ये लड़के, तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरह कांशीराम साहब ने जो है बहन जी की प्रतिभा को पहचान कर, टैलेंट को पहचान कर बहन जी को आगे किया, बहन जी को लेके आए और बहन जी की प्रतिभा का लाभ पूरे बहुजन समाज को मिला, ठीक इसी तरह इन लड़कों को भी बहन जी की तरफ थोड़ी विचारधारा की तरफ जाना चाहिए। नहीं, इसमें जो जिग्नेश मेवानी तो इंटरव्यू में बोला भी है कि वो मायावती से मिलना चाहते हैं, उनका लिए काम करना चाहते हैं, अब बहन जी के ऊपर है कि वो उनका क्या। देखिए, इस चीज़ के लिए जिग्नेश मेवानी जी बधाई के पात्र हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड हैं, लॉ किया हुआ है जिग्नेश मेवानी ने और काफ़ी ऊर्जा भी है, उम्र भी काफ़ी अच्छी है उनकी, अभी बहुत युवा हैं। कन्हैया कुमार भी PhD हैं, बहुत अच्छे बोलने वाले हैं, युवा हैं। उमर खालिद भी JNU से निकले हुए हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, युवा हैं, अच्छे बोलने वाले हैं। और हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जो आज जिस तरह से जेल में डाल दिया गया उन्हें, तो मैं समझता हूँ कि किसी दिन वो भी नेशनल मंडेला की तरह बहुत बड़े नेता बनेंगे इस देश के, और उनको बनना भी चाहिए। मेरा समर्थन, मैंने पहले भी मेरी स्पीच आई है, मैंने समर्थन किया है उनका, तो मेरा समर्थन उनके साथ है। उनके साथ राष्ट्र का जो लगाई गई है वो बहुत गलत लगाई है, ये राजनीति से प्रेरित है पूरी तरह, ये दलित आंदोलन को बहुजन आंदोलन को कुचलने के लिए जिस तरह लालू प्रसाद यादव को जेल में डाल दिया, इधर इनको डाल दिया, और भी नंबर आएंगे। जो सामाजिक न्याय की बात करेगा उसके साथ ये प्रॉब्लम आने वाली है, जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ रही हैं वो सबसे बड़ी लड़ाई। आपका भी वही मानना है कि बीएसपी को आगे बढ़ के इनका स्वागत करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और लालू प्रसाद यादव के साथ एक बात और मैं कहना चाहूँगा, लालू प्रसाद यादव जी के साथ भी किया है इनने बहुत बड़ा गलत किया है, वो भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेगा उसके साथ ये लोग यही करेंगे, जेलों में डालेंगे।
तो इन सबको मिलकर काम करना चाहिए, हमारा आंदोलन इससे बहुत मजबूत बनेगा, बहुत फायदा होगा और हमें जो नेतृत्व की जो कमी महसूस नहीं होगी आने वाले समय के लिए। क्या अभी ये 30-30 साल के लड़के हैं, ये कोई 30 का है तो कोई 32 का है, कोई 31 का है और कोई 36 का है, तो इनके पास बहुत लंबा समय और नेतृत्व दे सकते हैं। आज जो फिलहाल जो लग रहा है तो ये बहुत अच्छे हैं, और जब देखो भविष्य किसी ने नहीं देखा, कब क्या कौन निकले तब देखेंगे। अभी जो संभावना है वो हमें ठीक लग रही हैं, तो हम तो चाहते हैं कि बहन जी और ये मिलकर सब लोग काम करें तो ये मूवमेंट बहुत, बाबा साहब अम्बेडकर का, कांशीराम साहब का मूवमेंट बहुत आगे बढ़ेगा, ऐसे हमारी हमारा ये विचार है। आज आजकल क्या है कि लोग बात क्या है, अगर कोई काम करना चाहते हैं जैसे बीएसपी पार्टी से कोई काम करना चाहते हैं तो उनको पद पहले चाहिए, और ये लोग ऐसे इन्होंने कोई पद लिए बिना समाज के लिए काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय मुद्दों का कारण बन रहे हैं, तो आपका क्या सोचना है, इनको मिलना चाहिए? मिशन भावना और नेतागिरी लीडरशिप एक अलग चीज़ होती है, दोनों ही अलग हैं। यदि हमारे अंदर मिशन भावना है तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हम सामाजिक परिवर्तन का कार्य करना चाहते हैं, या समाज जो आज गड्ढे में पड़ा हुआ है उसके प्रति हमारा दायित्व तो है, तो हमें पद की चिंता नहीं करना चाहिए। पद तो आते जाते रहे, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन मिशन भावना और सामाजिक जो अंदर भावना होती है, एक पीड़ा होती है इस समाज सामाजिक परिवर्तन के लिए, उसके लिए चाहे कोई पद हो या ना हो, उसके बिना पद के रहते हुए भी हम समाज में काम कर सकते हैं, इसमें पद की कोई आवश्यकता नहीं। वही आज हमारे जो युवा पीढ़ी है, युवा नेता निकल के आ रहे हैं, बहन जी एक राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके जो सिपाही हैं प्रदेश लेवल पर जो कार्य देखते हैं, उनको इन युवाओं को तालमेल बनाना चाहिए, इन युवाओं के साथ एक नज़र रखना चाहिए, यदि ये बहन जी के और हमारे महापुरुषों की विचारधारा पर अपनाने को तैयार है पूरे तन मन से और अपने होशोहवास में ईमानदारी से, तो यदि ये विचारधारा लेकर हम बहन जी के साथ कंधा मिलाकर अगर चलना चाहते हैं तो बहन जी को भी शायद इसमें कोई आपत्ति नहीं होती। ये दायित्व हमारे उन लोगों का बन जाता है जो मिशन को, जिनका मिशन पर इनकी निगाह है और जो मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बहन जी के हाथ मजबूत करते हैं, ऐसा मेरा विचार है। उनका स्वागत ही करेंगी बहन जी, शायद उन मेरे ख्याल से उनका मना नहीं कर पाएंगी, जोड़ना ही चाहेंगी, क्योंकि मूवमेंट को बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति नहीं अनेक लोगों की जरूरत है। मतलब आप भी वही सोच रहे हैं कि इन लोगों को जुड़ना चाहिए? हाँ। और एक चीज और एक क्वेश्चन है कि जैसे अहमदाबाद से जिग्नेश मेवानी है और यूपी से आज़ाद है, अब जो लोग ऑलरेडी वहाँ पर पदों पे हैं बीएसपी के, क्या उनको इनसिक्योरिटी फील नहीं होगी कि अगर ये लोग आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, ये आज के नए लड़के हमारे पद खा जाएंगे? या तो उनके अंदर सच्ची मिशन की अगर भावना है, समाज को कुछ देना चाहते हैं, तो त्याग किसी को तो करना ही पड़ेगा, और जो त्याग करता है देश या समाज उनका मूल्यांकन करती है। आज माननीय साहब को देख लीजिए, उन्होंने कभी पद का ध्यान नहीं रखा, कभी अपने सुख सुविधा का ध्यान नहीं रखा, कभी संपत्ति का ध्यान नहीं रखा, साधारण रहे, चाहे वो चप्पल पहनते हों पैरों में, चाहे मरगट के शमशान के पास खरीदा हुआ 5 रुपए का कोट हो, चाहे वो भूखे रहे हों, कभी उन्होंने समाज के लिए अपने सुख सुविधाओं की चिंता नहीं की। ऐसी हमारे युवाओं से भी हम संदेश देते हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि यह त्याग करोगे तो स्वाभाविक समाज आपको आंखों पर बैठा बैठा कर रहेगा और आपको नेता बनेगा, तभी सामाजिक परिवर्तन संभव होगा, ऐसा हमारा विचार है। किसी भी देश की खुशहालता के लिए या वहाँ के लोगों के लिए उन्नति के लिए 3 बातें मुख्य होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। भारत देश में बाबा साहब ने जिस भारतीय संविधान को जिस अथक प्रयास और मेहनत के साथ बनाया, यदि वर्तमान सरकारें चाहे आने वाली सरकारें यदि उस देश का भला चाहती हैं, यदि इस भारत देश का भला चाहती हैं, यहाँ के लोगों को समृद्ध देखना चाहती हैं, कभी कभी तो ये कहते हैं कि हम विश्वगुरु हैं, अगर वास्तव में विश्वगुरु बनना चाहते हैं तो सबसे पहले जो देश की शिक्षा व्यवस्था है, एक ही शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए, वो सरकार की ओर से होना चाहिए, इसमें निजी विद्यालयों पर पूर्णतः रोक लगा देना चाहिए और सरकार को इन विद्यालयों को अपने सानिध्य में ले लेना चाहिए। यदि उनके पास प्राइवेट के तौर पर स्ट्रक्चर है तो उस स्ट्रक्चर को भी उन्हें मुआवजा देके अपने हैंडओवर कर लेना चाहिए। दूसरी बात,
स्वास्थ्य, यदि हमें प्रत्येक स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं होता, यदि हमें वास्तव में हमारे देश को, हमारे देश के नागरों को स्वस्थ रखना है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारे जो अस्पताल हैं, कोई भी निजी अस्पताल ना होकर शासकीय अस्पताल ही होना चाहिए, जिसमें हर व्यक्ति, हर स्तर का व्यक्ति आसानी से अपना इलाज करा सके। साथ ही उसमें हीन भावना भी पैदा नहीं होगी कि सभी लोग एक ही अस्पताल में इलाज कराते हैं। दूसरा, रोजगार। लोकतंत्र में तभी सच्चा लोकतंत्र माना जाएगा, भारत जैसे देश में विभिन्न वर्गों के लोग निवास करते हैं, सभी वर्गों के लोगों का, चाहे कोई भी सेक्टर हो, शासकीय सेक्टर हो या निजी सेक्टर हो, हर सेक्टर में हर समाज के लोगों की बराबर भागीदारी होना चाहिए। अर्थात देश के संसाधन जिस प्रकार हम लोग उनका अपने कार्य में दोहन करते हैं, कार्य में उसका काम लेते हैं, उसी प्रकार सभी को भी इसकी, चाहे उद्योग हो, राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। और राष्ट्रीयकरण से आज जो युवा हमारा बेरोजगार घूम रहा है, उसको रोजगार मिलेगा। जब हमारे युवा हैं, हर व्यक्ति को सम्मानजनक अगर रोजगार होगा तो वो सुख समृद्ध होगा, तो होगा ही, साथ ही पूरा देश भी खुशहाल होगा। यही मेरी आप सभी से, जो हमारे नुमाइंदे, हमारे ताकतवर लोग, हमारे जो लोग जिस देश को चला रहे हैं, उनसे यही सादर अपील है कि इस देश का निजीकरण नहीं, राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास करें। चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ही क्यों न हो, तभी हमारा देश खुशहाल और समृद्ध बन सकता है।